Straight निकलो. Go fast. Good morning YouTube family. कैसे हो आप लोग? I hope कि you all are doing great. और welcome to a new vlog. और आज के vlog में हम लोग जाने वाले हैं होगेनकल फॉल, जो कि बैंगलोर से 135 किलोमीटर फार है और जाने में 3 घंटा लगभग लगेगा. घाट रोड्स मिलेंगे और काफ़ी ब्यूटीफुल सा वो जगह है. मैं पहले भी जा चुका हूँ बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोरेकल राइड जो वहाँ की बहुत फेमस है वहाँ पे मैं लास्ट टाइम नहीं जा पाया था क्योंकि वाटर की फ्लो बहुत ज़्यादा थी और कभी कभी वो बंद कर देते हैं. लेट्स सी टुडे मौका लगता है कि नहीं कोरेकल राइड करने का. बाकी आज हम लोग बाइक से नहीं कार से जा रहे क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बारिश कभी भी आ सकती है और कार की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना वो भी लेते हुए जाना है. इसलिए अभी हम लोग ने प्लान किया है कि अभी कार से ही जाएंगे. साथ में मेरे फ्रेंड भी ज्वाइन करने वाले हैं कार में, तो थोड़ी देर में निकलने वाले हैं. टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, 8 बज चुका है. जल्दी करते हैं अब और निकलते हैं और सीधे मिलते हैं आपको गाड़ी में. और भी कई सारी बातें हैं, करते जाएंगे और रास्ता आपको दिखाते जाएंगे. गाइस वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम द होम और यहाँ लगी है अपनी वेन्यू कार. सो वी आर फिलिंग पेट्रोल, 3000 की पेट्रोल अभी ले रहे हैं और फिर आगे आई थिंक इतने में सारा हो जाएगा पूरा जर्नी. लेट्स सी. सो गाइज वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेकफास्ट और दिस इज़ बाबाई टिफिन्स, बहुत फेमस है. जाके आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलेगा और कैसी है टेस्ट यहाँ की. द वे टू सरजापुर. दिस इज़ द होटल, बाबाई होटल. तो होगेनकल जाते समय आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हो. यहाँ पे आपको ऑर्डर अपनी दिख जाएगी डैशबोर्ड पे. तो गाइस हमने लिया है घी मसाला डोसा और इडली भी है और अभी खाएंगे जल्दी जल्दी. तो गाइस फूड वाज टेस्टी एंड वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड पोड़ी इडली. अभी हम लोग यहाँ से ऑलमोस्ट खाना वाना हो गया, अभी निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से. इट इज़ क्वाइट बिग वन. पीछे भी जगह है, आप देख सकते हो बैठने के लिए ओपन में. और यहाँ है वॉशरूम एरिया, हैंड वॉश भी है पीछे. काफ़ी बड़ा सा एरिया है यार. बहुत लोग यहाँ भी बैठ के ब्रेकफास्ट करें, हमने तो ये देखा ही नहीं था. डेफिनेटली यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट और लंच व्हाइल कमिंग टू दिस एरिया, रिकमेंडेड. ब्रेकफास्ट हो गई है कंप्लीट और हम लोग बैक टू हिट द रोड. और अभी हम लोग निकलेंगे सीधा होगेनकल फॉल के लिए. होगेनकल जाने के लिए रास्ते में आपको ज़्यादा होटल्स एंड ऑल नहीं मिलने वाले क्योंकि घाट रोड होता है और थोड़ा फॉरेस्ट जैसा एरिया है. तो इसलिए हमने यहाँ पे बढ़ के अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया. काफ़ी बढ़िया सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आप भी आके यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. चलो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं. सो गाइज वी आर एंटरिंग तमिलनाडु बॉर्डर. ये वाला जो है ना ये टीवीएस प्लांट है में. This is kind of Hosur only, no? हाँ. तब okay TVS. Bike का manufactured here. हाँ. So this is the Hosur plant. Quite big, no? 2-wheeler manufacturing plant. 50 किलोमीटर हम लोग घर से निकल चुके हैं और माइलेज जो है ना थोड़ा ड्रॉप कर गया है. 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आ रही है क्योंकि गाड़ी है फुल्ली लोडेड और हमें बढ़िया सी रोड भी नहीं मिली अभी तक. कहीं ना कहीं ट्रैफिक में रुकते रुकते ही हम लोग आए हैं एंड होल टाइम हमने एसी भी ऑन करके रखा है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप फुली लोडेड गाड़ी चल रहे हो, आई मीन 4 पैसेंजर चल रहे हैं आपके साथ, तो आपको डेफिनेटली माइलेज बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलने वाली है. बट या अभी इम्प्रूव हो रहा है माइलेज क्योंकि थोड़ा ओपन रोड मिला है, ओपन स्ट्रेच मिला है अभी हमें आगे बढ़ने का. परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है. थोड़ा एट लोअर आरपीएम आपको प्रॉब्लम लगेगा गाड़ी उठाने में, बट एट द एंड जब खुला रोड मिलता है तो पावर डिलीवरी जो है ना काफ़ी बढ़िया हो जाती है और आराम से गाड़ी निकलती है हर सिचुएशन में. आगे आपको और भी डिटेल दूंगा गाड़ी की. अभी गाड़ी की माइलेज 12 तक आ गई है, आप देख लो यहाँ पे 12 तक माइलेज आ चुकी है. चलो फिर आगे मिलते हैं. मौसम बहुत गरम हो रखा है और हमने एसी तो कॉन्स्टेंटली चला के रखा है. देखते हैं होगेनकल में जाके कैसा वेदर रहता है, कैसा फील होता है. आगे सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं. तो वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। होगे नकल जाने के लिए आपको हाईवेज तो इतने नहीं मिलेंगे, जो भी स्टेट हाईवे है और रास्ता आपको दिख ही रहा होगा, इसी तरह का रास्ता ओवरऑल आपको मिलेगा। और इवन आप घाट रोड पे जब पहुंचोगे तो आपको छोटा रास्ता मिलेगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप हाईवे में बढ़िया स्पीड पकड़ के जाने वाले हो, बट या यहाँ का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं, चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया जैसा लगेगा। करने का भी अलग मजा है यहाँ पे। गाइस ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर अभी और रह गए हैं एंड अनुप इज ड्राइविंग कार, न्यू कार एंड आई यूजुअली ड्राइव डीजल इन दिस, सो कार इज वेरी स्मूथ एंड द गियर शिफ्टिंग इज आल्सो वेरी स्मूथ, सो फीलिंग नाइस। Overall performance level is fine in the car and you can see the roads, it's quite good, so I hope कि आगे जाके और भी बढ़िया लगे। ये पूरा घाट रोड है। चेकपोस्ट है जहाँ पे आपको अपनी नाम और सारी चीज़ें डिटेल्स बतानी पड़ती है। 50 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं और यहाँ से घाट रोड स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हमारी लगी है कार और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। आगे रोड में आपको दिखाएंगे कैसी है सीन, सारी चीज़ें बताते जाएंगे। वेदर को एंजॉय करते हुए पेड़ों के बीच से चलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं नियर बाई होगे नकल। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले रहे वाटर एंड ऑल, बिकॉज हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है जिसे पानी पीना था, तो अभी हम लोग थोड़ा स्टॉप किए और यहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे। आगे आपको दिखाऊँ तो देखो रोड कितनी शानदार है, पेड़ भी बहुत बढ़िया है और चारों तरफ पहाड़ है। थोड़ा ह्यूमिड वेदर है बट ओवरऑल मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस तरह जो इतने सारे पेड़ हैं ना, शहर से दूर आकर ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। और यहाँ लगी अपनी कार। सो गाइस दिस इज़ द एलिफेंट क्रॉसिंग और आगे बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। देखो कैसे जंगल वाली रोड है, यहाँ पे अलग ही फील है इस रोड में ड्राइव करने का। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग सिटिंग विद साइड ऑफ अनुप इन द फ्रंट पैसेंजर सीट। And how are you guys feeling? So already Lenita is sleeping from morning and also the kid is sleeping and Bhavna is controlling her nausea feeling by like that, somehow because yeah, okay, so you can see the roads, a lot of curves and kind of a hairpin bends are there. I wish ki barish ho rahi hoti तो मज़ा ही आ जाता है ऐसे रोड में। So guys, you can see the river Kaveri is already visible. So one more ticket for entrance gate and parking pass. This is 100 rupees. Entrance parking. You have to park here. Vehicle parking. Yeah. Guys, this is the parking area of Hoge Nakal Falls. Good that they have made, you know, shades are there to keep your car cool. And यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा फॉल के लिए, वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं। पार्किंग वॉज लाइक 100 रुपीज़ और कई जगह हमने 50, 100 करके ऑलमोस्ट 250 हमने रास्ते में पे किया है। I don't know for what reason, but here definitely for parking it was charged 100 rupees and I don't know the ticket is also there or not. We'll see. So guys, we are walking towards the Hoge Nakal Falls. काफ़ी ही गर्मी है यहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। छाता के बिना तो आप चल ही नहीं पाओगे इतनी गर्मी में। और यहाँ पे एक होटल भी है, क्या है ये? Hotel Tamil Nadu. It's a canteen, I believe. Rooms are also available, so it's a government approved hotel, I believe. So guys, this is the entrance gate. Guys, Paratha bread is no more available for now because of the heavy water flow. दिख रहा होगा आपको, उन्होंने रास्ता भी क्लोज कर दिया है यहाँ से। तो सारे पराठे जो है ना यहीं पर बस रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना वो पराठे यही है। अनफॉर्चुनेट है ना, लास्ट टाइम भी जब हम आए थे, मैं जब आया था तो पराठा राइड नहीं कर पाया था और अभी भी सेम सिचुएशन है क्योंकि पानी की जो लेवल है वो भी काफ़ी ऊपर आ चुकी है और करंट भी अच्छा खासा दिख रहा है। यू कैन सी पीपल आर टेकिंग बाथ। अगर आपको यहाँ पे नहाना हो तो साबुन, सर्फ, शैम्पू सब मिल जाएंगे, इवन ब्रश भी मिल जाएगा यहाँ पे। काफ़ी लोग यहाँ पे तो नहा रहे। अनफॉर्चुनेट मैं हर बार जब भी आता हूँ पराठा राइड नहीं रहता। वहाँ पे एक टेम्पू चल रहा है, आई डोंट नो हाउ। Water is gushing very high. वहाँ देखो ये तो गाइस यहीं से कोराकल होता है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि कोराकल बंद कर दिया गया है। But we will go in front of the water and show you. देखो वहाँ पे police is there to stop people. इतने सारे कोराकल यहाँ पे है। See, it's all this black. All the coracles are stopped. Water is not much, but I don't know why this coracle is stopped. Guys, coracle की तो कमी नहीं है, हर जगह coracle भरा हुआ है। तो यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे होटल भी हैं जहाँ पे आपको फ्रेश फिश मिल जाएगा। फ्रेश फिश, फ्राइड वन, नॉन वेज भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे खा भी रहे। गाइस, हमने भी बस लंच किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट का ही होटल है यहाँ पे और यहाँ पे रुक भी सकते हो आप। थोड़ा कॉस्टली है, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ। इवन द फूड वाज नॉट सो ग्रेट एंड वेदर इज कम्प्लीटली humid, completely humid, and it's not at all good. And then we could not do coracle ride as well, so it was just like, you know, trip went wrong, something like that experience. But I don't know how it would be जब winters होंगे, शायद winters में थोड़ा अच्छा लगे। और हम लोग फिलहाल और नहीं रुकने वाले यहाँ पे। We are planning to just leave the place in another 10 to 15 minutes and we'll go directly to Bangalore. अपना लिम्का इस बंदर महाराज को देना पड़ा और देखो क्या ही स्वैग से पिए जा रहा है ये बंदर। They know all the tricks how to drink. It was quite tiring journey and you know I would say it is not recommended to come in such weather. Maybe you can come in winters. आज वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड बिकॉज गाइस वी आर क्वाइट टायर्ड एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे safe, keep riding, keep traveling. See you in another video very soon. Bye bye. Picture abhi baki hai mere dost. After we stopped vlogging, we noticed that a guy in a bike was constantly following us from behind. He was trying to overtake and even came near to driver's side, and he started shouting on us with anger to stop the car. We avoided and continued driving. You can see in this video how fast he was riding and eventually we got scared and we tried to escape him by speeding up. but he was very smart and was trying to catch us, and in between he even came in front of our car once. But somehow we could not record that moment. Later in the video you can see that how quickly he overtakes us and also the other cars in front of us. His plan was to stop us at the next checkpost. Later in this video you will see how this man came in front of us and also asked two more people to join him and started harassing us. सीधा चलो, सीधा चलो, ये चलो सीधा निकलो, स्ट्रेट निकलो, गो फास्ट, पत्थर मारेगा तो, भागो भागो, क्या करेगा वो। हमारे पीछे एक बाइक वाला पड़ गया था एंड ही वाज ट्राइंग टू स्टॉप अस। बहुत बुरी तरह से हम लोग वहाँ से भागे हैं एक्चुअली, बिकॉज यू नो इट्स अ फॉरेस्ट एरिया और तमिलनाडु में है फिलहाल हम, होगे नकल वाले रास्ते में। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। एंड देन दे वर ट्राइंग टू स्टॉप, दे केम इन फ्रंट ऑफ आवर कार एंड दे ट्राई टू स्टॉप अस एंड दे वर आस्किंग अस टू कम आउट, बट समहाउ वी डिड नॉट गेट आउट ऑफ द कार एंड ऑल्सो वी स्मैश्ड द कार एंड वी जस्ट वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो द डे वाज क्वाइट हॉरिफाइंग टू अस एंड ट्रिप टू होगेनकल वेंट रॉन्ग, क्योंकि कोराकल राइड जो कि वहाँ का मेन अट्रैक्शन है वो भी हम नहीं कर पाए और आते वक्त इतनी सारी परेशानी हुई, साथ में इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे कि वो भी अनबेरेबल था। तो पूरी तरह से हम परेशान हो गए थे और ये जो बंदा हमारे पीछे पड़ा था ये, और जिस तरह से हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, जो दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा था, मे बी तमिल में बात कर रहा था और हम समझ नहीं पाए, बट ही वॉज डेफिनेटली ट्राइंग टू हैरास अस और इसलिए हम लोग ने जल्दी जल्दी भगाया। और जब उसने हमारे गाड़ी को सामने आकर रोकने की कोशिश की तब हमारे पास गाड़ी को भगाने के अलावा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं था और इसलिए हम वहाँ से समहाउ निकल गए। हमने सोचा कि पुलिस कंप्लेन भी करे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने नहीं किया, क्योंकि वो तमिलनाडु स्टेट था। कर्नाटका में ऐसा होता तो ज़रूर करते। बट कई सारी ऐसी घटनाएँ जो है ना अभी नेट में, सोशल मीडिया में, न्यूज़ में सुनने आपको मिल रही होगी रोड रेज को लेके। हम भी सुन रहे थे और हमारे साथ भी इस तरह की घटना हो गई और बहुत अफसोस लगता है कि ऐसी घटनाएं जहां पे लोग, मतलब इस तरह कैसे लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं और आपको परेशान करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपसे पैसे लेना चाह रहे हो। एट द एंड आपका मेंटल पीस जो है ना वो आप छीन लिया जा रहा है, आपको हैरास किया जा रहा है। अगर आप कहीं लंबे ट्रिप में जा रहे हो फैमिली के साथ तो एक अपने गाड़ी में एक डैश कैम जरूर से लगवा लो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा, रिकॉर्ड हो जाएगी चीज़ें कि क्या हो रही है आपके साथ और सेफ्टी के लिए ज़रूरी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करो कि आप अकेले ना जाओ, साथ में अगर एक दो फैमिली हैं, एक दो और कार है, बाइक है तो साथ में ट्रैवल करो तो और भी सेफ़ रहेगा आपके लिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताना, आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों को लेके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें अपनी ओपिनियन शेयर करना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। कई सारी ऐसी वीडियोस और कंटेंट हमारे चैनल पे बाइकिंग, कार रिलेटेड, ट्रैवल व्लॉग रिलेटेड आते रहते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। धन्यवाद।